अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज का इस समय दूसरा मैच चल रहा है। मैच में पहले दिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। मैच के पहले सेशन में भारतीय टीम को कोई भी विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के कुल 3 विकेट झटके। अंतिम सेशन में बात करें तो उसमें भी भारतीय टीम ने 3 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया के टीम ने पहले दिन 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। हालांकि भारतीय टीम ने मैदान पर कई ऐसी गलतियां की जो ऑस्ट्रेलिया के इस बड़े स्कोर का कारण बनी, अन्यथा टीम 250 से भी कम स्कोर पर आउट किया जा सकता था। इस मैच में विराट कोहली 4 तेज गेंदबाज के साथ मैदान में उतरे, जिसकी वजह से गेंदबाजी में अधिक विविधता न होने के चलते ऑस्ट्रेलियाई ओपनर और बल्लेबाज क्रीज पर जम गए, जिसके चलते भारत पहले सेशन में कोई भी विकेट हासिल नहीं कर सका। पहले टेस्ट के दौरान हमें देखने को मिला था कि भारतीय टीम ने कई कैच छोड़े और काफी ज्यादा मिसफील्ड किया, जिसके चलते एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम मैच हार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में इस टेस्ट में भारत की फील्डिंग में सुधार की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बता दें कि पहले और दूसरे टेस्ट में सिर्फ 3 दिन का अंतराल था, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा भारत के तेज गेंदबाज थका हुआ महसूस कर रहे हैं। खासकर ईशांत शर्मा की गेंदबाजी में काफी ज्यादा बदलाव आया है। दरअसल पिछले मैच में ईशांत शर्मा लगातार 140 से ज्यादा की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे, जबकि इस मैच में वो 135 की गति भी पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पर्थ के पास घास वाले मैदान में इस गति से बल्लेबाज पर दबाव बन पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।